मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने समाजवादी साथियों से कहूँगा थोड़ी देर शांति रखें। मैं प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि हमें आपको 2 बजे मिलना था, 3 बजे हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। मैं सबसे पहले संत रविदास जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को भी संत रविदास जयंती पर बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। संत रविदास जी और हमारे देश की जितनी भी परंपराएं और संत गुरु रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब रही है, उस तहजीब के सहारे हम सब मिल कर के रहे हैं। हमारी जो पहचान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और वर्षों से हमारे धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में ऐसा रिलेशन बना है कि हम एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा दिखता होगा जहां इस तरीके का इंटर फेथ रिलीजन में अगर कहीं दिखाई देता होगा तो आपके देश में दिखाई देता है। इतना एक दूसरे पे भरोसा, और ये हमारे देश की और समाज की खूबसूरती है कि हम इतने जाति धर्म के साथ अनेक अनेक परंपरा, हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को और भारत के लोगों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मैं मिर्जापुर में शिविर करके आया हूं और इन शिविरों के माध्यम से हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इस बात को जरूर बताते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का संकट है और अगर इस संकट से नहीं बचाया तो हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। हम समाजवादियों की पहचान है, हमारा व्यवहार, हमारा रास्ता जो है वो सेकुलर है। हम जहां सोशलिस्ट हैं वहीं हम सेकुलर भी हैं, और सोशलिस्ट होना और उस रास्ते पे चलना कितना कठिन काम है, और उसी तरीके से कम्युनल होना बहुत आसान है लेकिन अपने देश की संस्कृति और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना मुश्किल है। इसलिए हम समाजवादियों के सामने चुनौती जरूर है लेकिन जहां हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, उन पे चल करके लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश और उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी, इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही। जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता नहीं बताया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी अगर दिल्ली की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखे बनाएगी। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से GST लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सरलीकरण होना था, जिन कानूनों से हमारी अर्थव्यवस्था को और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं, हमारे व्यापार करने वाले लोग दुखी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को
कोविड के समय पर सामना करना पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं, जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों के बीच में इन कानूनों से काम होने लगेगा तो ये हमारे किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। तीनों कानून समाजवादी पार्टी विरोध पहले भी करती थी और आज भी विरोध करती है। और मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अभी एक साल या सवा साल के लिए कानून आगे बढ़ा दिया कि लागू नहीं होगा, जो चीज आज खराब है वो एक साल या तीन साल के बाद कैसे अच्छी हो सकती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद, आखिरकार वो कानून किसानों पर क्यों थोपे जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी मंडी में कि हम मंडी में पैसा लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में जितनी मंडियां समाजवादी सरकार में बन रही थी आज सब मंडियां ठप हैं, कोई काम नहीं हो रहा। यही एक्सप्रेसवे जो बन रहा आगे आ रहा था लखनऊ से हमारे पूर्वांचल के इलाके के लिए, उसमें भी जो मंडियां बननी थी बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में या अमेठी में या लखनऊ में, कोई मंडी नहीं बनाई जा रही है। अगर मंडियां नहीं होंगी, कोई स्थान नहीं होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि एमएसपी आखिरकार किसानों को कहां मिलेगी। अगर एमएसपी देना भी चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो स्थान बताएं जहां एमएसपी मिलेगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिस्ड कॉल की परंपरा बहुत निभाते हैं, जब उन्हें सदस्य बनाना होता है तो वो कहते हैं कि हाँ फोन करिए, मिस्ड कॉल दीजिए, हम आपको सदस्य बना देंगे। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के लिए वो मिस्ड कॉल नंबर जारी करें जिसपे उन्हें एमएसपी मिल जाएगी और वो एमएसपी जिसमें उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। इधर लगातार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिरी है उससे काम, नौकरी और रोजगार छिन गए हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर न जाने कितने एमओयू किए गए, 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। डिफेंस कॉरिडोर का सपना दिखाया गया, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बन पाया। और अगर काम रोजगार देना है तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसलों में बदलाव लाना पड़ेगा। इधर हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर। किसी ने सोचा नहीं था कि डीजल पेट्रोल की देश के अंदर कीमत 100 रुपए के पास पहुंच जाएगी, 100 के करीब पहुंच जाएगी। और वही गरीब जिसको फ्री सिलेंडर दिया गया, उज्ज्वला के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन जैसे ही सरकार आ गई तो आज सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए हो गई। तो आखिरकार डीजल पेट्रोल का जो मुनाफा आ रहा है, जो कीमत बढ़ाने के बाद मुनाफा आ रहा है, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, सरकारें उनकी हैं कि जो जनता से वसूला जा रहा है पैसा वो किस रूप में किस जगह इकट्ठा हो रहा है और आखिरकार मुनाफा का रास्ता कहां है, कहां तक खत्म होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में है। किसान के आंदोलन में न जाने कितने हमारे समाजवादी साथियों पर झूठे मुकदमे लगे हैं, न जाने कितनों को जब कभी भी किसान यात्रा निकाली होगी, कार्यक्रम हुए होंगे, देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई होगी जिसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और लगातार उनके झूठे वादे किए जनता को याद दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय जहां शौचालय है वहीं माँ गंगा का भी आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या कहा कि गंगा की सफाई हो जाएगी। आज लगातार नाले जा रहे हैं, लगातार जो पैरामीटर्स हैं जिनसे पॉल्यूशन नापा जाता है, चाहे वो डिजोल्व ऑक्सीजन हो, चाहे BOD हो, चाहे COD हो, और चाहे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और पूरे जहां जहां से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ, और जहां गंगा में जो नदियां जुड़ रही हैं वो नदियों की भी कोई सफाई नहीं हो रही, चाहे वो यमुना हो चाहे अन्य नदियां देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में। इतना बड़ा धोखा जो माँ गंगा को दे सकते हैं वो अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं।
इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसला लिया लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादियों की होगी। है वो आपके पोले बूथ के जो एजेंट होते उन्हें बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी को यह भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल यह भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहां जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रेनिंग कैंप की जरूरत है। बीजेपी बहुत होशियार है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना, किसको कहां शिफ्ट कर देना, किससे कैसे मैनेज करना उनके लोग करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे जिससे हमारे असली वोटर हो, नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं पत्रकार साथियों, मैं आपको एक मिनट, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए इस जगह मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा। मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्योटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्योटो देखा है? दो हो गए, एक मैं हूं एक ये हैं। मैं असली क्योटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे, और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्योटो नहीं बन सकता। कल क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के हाथ होगा, उनसे पूछिएगा 1000 साल में भी क्योटो नहीं बना सकते बनारस को। कार्यालय बना दिए वो आप तय करो। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा दल आए, किसने रोका है लोकतंत्र में? मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं। तो उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि और दूसरे लोग आने दे रहे हैं, लेकिन आइए उत्तर प्रदेश में, किसी रोकने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है, इस बार वो देख रहा है 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई, बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं थी, एम्बुलेंस चल रही थी कि नहीं चल रही थी, वरना कॉरिडोर, आपके फ्लाईओवर, आपके 4 लेन 6 लेन, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने दिया। ये जो एक मिनट जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया गया, पूरी जमीन समाजवादी पार्टी ने ली थी, उसका अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है, टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो समाजवादी सरकार के थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो जानते नहीं है फ्लाईओवर कहाँ बनना है, कलवर्ट कहाँ बनना है, वेसाइड एम्यूनिटीज क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है, अरे हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसीलिए 4 साल से ज़्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है अगर एनएचआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहां जा रही है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा 4 लेन 6 लेन, बिजली का काम, आप मुझे बताओ बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग किसने दी, वरना किसने दी, किस मोहल्ले में लैपटॉप दिया कि नहीं दिया, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने दिया, गाजीपुर में ताड़ी पार वाली सड़क किसने दी, यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो किसने दिए, घाट किसने दिए, घाट पे गाना किसने दिया, बिजली 24 घंटे किसने दी। और हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया, अरे जो बुजुर्ग हैं श्याम देव चौधरी जी है, सुनिए एक मिनट, अगर हमारी मत मानो अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तोड़वा दो नहीं जान चली जाएगी, क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया, मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो,
लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं, लेकिन आप जब जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज्यादा दोगे कि कम दोगे? आपकी सरकार आएगी तो फ्री देंगे क्या बिजली? आपकी सरकार आएगी तो बिजली फ्री रहेगी यूपी की? हम कुछ नहीं बताएंगे, बीजेपी वाले सुन के कर देंगे। राहुल गांधी कह रहे कि साउथ लोग किसको? नहीं, हमें खौफ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लाल टोपी से खौफ है। और ये अगर आपका मोबाइल का लाल रंग देख लेना तो समझ लो क्या होगा आपके साथ। अखिलेश जी राहुल गांधी कह रहे हैं साउथ के लोग। पहले भारतीय जनता पार्टी से कहो कि अपना संकल्प पत्र देखें, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे पूरे हो पाए हैं 5 बजट में कि नहीं हो पाए? हम नहीं बताएंगे क्या क्या आएगा, क्योंकि सब नकल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। तो किसने रोका है? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि छोटे दलों के लिए सबके लिए हमारे पास गुंजाइश है, सभी छोटे दल। चाचा से कब होगा? उनका दल नहीं है क्या? दल बोलो भाई, ये परिवारवाद वाली बात कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साउथ के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं। नहीं, ये बात गलत है। बनारस में आए, बनारस से स्मार्ट कोई शहर है क्या? वो कह रहे हैं यहाँ की ठंडाई पीने के बाद यहाँ से स्मार्ट ज्यादा कौन हो सकता है? और फिर ये बताओ, अरे भूल, वो बात छोड़िए, स्मार्ट कौन क्या नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए। अरे वो बात छोड़ दीजिए, देखिए स्मार्ट की परिभाषा वो जानते होंगे किस रूप में कह रहे हैं, वो हम उस पर नहीं जाना चाहते। आप नहीं, नहीं, अरे भाई सुन तो लो, उन्होंने शायद ये कहा होगा कि बनारस सिटी स्मार्ट सिटी बनी है कि नहीं बनी है, आपको स्मार्ट सिटी मिली कि नहीं मिली, वो कितने कदम आगे क्या। और अगर स्मार्ट आदमी देखना ही है आपको, नीरज पहलवान सामने आ जाओ, ये खड़े रहो, इनकी खबर तो आपने भी चलाई है, ये ऐसा स्मार्ट आदमी है कि चीता को मुकाबला कर लिया इसने, चीता का मुकाबला किया। यही वही रहो बस, तो फोटो खींच गई तुम्हारी, ठीक है धन्यवाद। ये इसलिए मैं परिचय करा रहा हूँ इसके, क्योंकि इन्होंने चीता से लड़ने का काम किया है। अच्छा, शेर की बात इसलिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 2 शेर हमारे ले लिए, अभी सुनने में आया है कि लखनऊ से कोई एक ऑर्डर निकला है। हमारी लायन सफारी देश की पहली लायन सफारी है, और आपको उस पर कम से कम गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि पूरी दुनिया में, भारत में, वो भी इटावा में, नेताजी से शुरू करके मैंने उसको पूरा किया। फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है एशियाटिक लायंस का। वो कहानी आपको याद होगी कि कहाँ से शेर आए, कौन सी शेरनी, क्या क्या लकड़ भग गए, वहाँ पर पहला ब्रीडिंग सेंटर बना और शेर पैदा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल से उस लायंस सफारी को शुरू नहीं किया। और सभा के भाषण सुन लेंगे पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा, एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक कानून से वो सरकार बन गई, और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। अखिलेश जी,
समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए इसलिए कि यहाँ बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। और हम तो जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीजें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीजें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीजें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज बेच देंगे। नहीं, अगर ये नहीं, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए, मैं कुछ भी कहूं वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? अखिलेश जी, अनिल यादव ने इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से, उनका ये कहना है कि उनके पत्नी पर समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई। देखो ये कांग्रेस वाली भाषा यहाँ मत बोलो। नहीं, उनका कहना हम नहीं बोल रहे हैं। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पे मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा, हमारे बगल में भी महिला बैठी है। वो 7 बनारस के बाद छूट गया और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ है और नौजवानों का साथ है। मैंने कहा कि बड़े दलों के साथ समझौता नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आपकी पार्टी से राम मंदिर में कितना चंदा जाएगा? समाजवादी पार्टी दक्षिणा देने पे भरोसा रखती है और वो गुप्त होता है। हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में चंदा शब्द कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने अब चंदा शब्द ही बदल लिया जब से हमने चंदा पे सवाल उठाया। अब वो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन याद कीजिए पहले दिन क्या कहा था, समाजवादी पार्टी दक्षिणा देती है, दक्षिणा देगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी भी मंदिर होकर के आए, दक्षिणा देकर के आए, आज से 10 साल पहले भी हम किसी मंदिर में गए होंगे, वहां दक्षिणा दी है। ये फर्क समझिए, आप नई पीढ़ी की हैं, कम से कम ये बात तो आप समझिए। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी का रास्ता विकास का रास्ता है। बंगाल चुनाव में किसके साथ जा रहे हैं? मैं अगर बता दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी नकल कर लेगी और मैं नकल बताता हूं आपको, नकल बताता हूं। समाजवादी पार्टी माताओं बहनों को 500 रुपए पेंशन देती थी कि नहीं देती थी और उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाता था,
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डीबीटी सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था तो समाजवादी सरकार ने लागू किया था। और अब भारतीय जनता, हम कहते थे कि 500 रुपए महीना और भारतीय जनता पार्टी कहती 6,000 रुपए साल दे रहे हैं, तो फर्क क्या है? आप बचाओगे हमें और आजम खान साहब के पास झूठे मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार परिवार के साथ है, आजम खान साहब के साथ है, ये लड़ाई कागज और कानून की है। और आप तो बनारस में जानते हो, देखते होगे, कोई ऐसो नाराज हो जाए कोई भी मुकदमा लग जाएगा आप पर, कोई भी तहसीलदार नाराज हो जाए कहीं भी नाप लेगा। कल भाजपा द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा वाराणसी में। यूपी की जनता बहुत समझदार है, यूपी की जनता बहुत जागरूक है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। यहाँ का नौजवान लैपटॉप वही चाहता है जो आज भी चल रहा होगा। आप जाके के बनारस में किसी वार्ड में देखाइए, समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा होगा और उसके ऑन होने में आज भी नेताजी और हम ही दिखाई दे रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है वरना साफ हो। अरे आपको सवाल पूछना चाहिए वरना पर, फंसा नहीं है, फंसाया हुआ है। आप भी शब्द गलत इस्तेमाल करते हो। ये रिवर, मैं ममता जी उस पर बोलूंगा, मैं ये जो रिवर्स साफ करने का तरीका है कि रिवर्स कैसे साफ बहे हमारे शहर में, जो गोमती मॉडल है वही अंतोगत्वा सरकारों को अपनाना पड़ेगा कि एक भी नाला नदी में न जाए, अगर कोई नाले का गंदा पानी जाए तो वो साफ होकर के जाए। और यही पहला गंगा एक्शन प्लान था और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने सालों के बाद गंगा नहीं साफ कर पाए। आप लखनऊ में 900 मीटर केबल सड़क जोड़ देंगे, पहला शहर होगा देश का जिसमें शहर के अंदर पूरी साफ सुथरी गोमती चल रही होगी। मैंने कहा छोटे दलों को सबको साथ लेकर के चलेगी पार्टी। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। और मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को ये कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा।